Hello students, in the previous video we have already discussed about your postulates of Warner's coordination theory. तो हमें चार्टा postulates देखिले, तो एबे से postulates को follow करिगी, हमें कौन explanation करिवा, वोटे complex compound रो structure केमिदी करिवा, according to the Warner's, clear? तो अबे देखो structure for example वोटे complex नो जी, एगुड़ा भी तो long question रे लेखिवा, explanation रे भी long question रे लेखिवा, first postulates लेखिवा, तापरे एक्सप्लेनेशन बा स्ट्रक्चर गुडा लिखियो फॉर एग्जांपल मो ओटा कॉम्प्लेक्स नो जी CO Cl3 डॉट 6NH3 CO Cl3 डॉट 6NH3 एडा ओटे कॉम्प्लेक्स तो देखो यार स्ट्रक्चर यार मॉलिक्यूलर फार्मूला केमदि करबी तो लेखो सेंट्रल मेटल एटम के कोबाल्ट अमोनिया केत्र आछि 6टा दैट मींस लिगैंड तमर केत्र आ 6टा CO NH3 होल 6 देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर तापर अच्छी कौन सी एल थ्री आनायन आनायन पर रहे हो सी ओ एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री तो एटा जहा एटा से क्लियर और तो अभी देखिए यार स्ट्रक्चर केमी आम ड्र कर अकॉर्डिंग टू वार्नर तो सेंट्रल मेटल आटम किए रहा तुम कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आटम कोबाल्ट तो यही केस फास्ट देख कोबाल्ट तुम कहीदी वार्नर पोस्टुलेट कौन कहला सेंट्रल मेटल आटम शोज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी गोटे कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आटम दुई प्रकार वैलेंसी शो कर प्राइमरी वैलेंसी शो कर सेकेंडरी वैलेंसी शो कर तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू योर ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू योर कोऑर्डिनेशन नंबर तो यही कॉम्प्लेक्स रे प्राइमरी वैलेंसी केत हबो यही कॉम्प्लेक्स रे प्राइमरी वैलेंसी तो तुम प्राइमरी वैलेंसी कौन कही ऑक्सीडेशन नंबर सहित सामान बा तुम या सेंट्रल मेटल आयन को कतटा नेगेटिवली चार्ज अटैच है तो फास्ट देख यही कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आटम ऑक्सीडेशन नंबर केमी बाहर करिया कोबाल्ट बाहर कर एक्स अमोनिया के न्यूट्रल लिगैंड तो इज इक्वल टू जीरो सीएल के माइनस थ्री गोटे सीएल माइनस वन तीन टार के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो न्यूट्रल हो गला ना तो एक्स इज इक्वल टू के आसो प्लस थ्री प्लस थ्री मान कोबाल्टर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री दैट मीनस कोबाल्टर प्राइमरी वैलेंसी के थ्री तो एबे लिख कोबा यही कॉम्प्लेक्स रे कोबाल्टर प्राइमरी वैलेंसी के तीन तापर कहबी यही कॉम्प्लेक्स रे कोबाल्टर सेकेंडरी वैलेंसी के सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू योर कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर मीनस केतटा लिगैंड अटैच है सेंट्रल मेटल आयन सहित केतटा अटैच है छटा क्लियर तो यार सेकेंडरी वैलेंसी के सिक्स सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू सिक्स तो प्राइमरी वैलेंसी है तीन सेकेंडरी वैलेंसी है छ तो सेंट्रल मेटल आयन लिख ली तापर देख अमोनिया के छटा अमोनिया एनएस थ्री NS3 तो देखो तुम लिगैंड किए अमोनिया तो अमोनिया तुम कौन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कोबाल्ट आटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए तुम कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है तो तुम कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है छटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है क्लियर दैट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी तापर देख कोबाल्टर प्राइमरी वैलेंसी केते तीन तो मोर टारगेट जो सेकेंडरी वैलेंसी रे जो बॉन्ड गुड़ाक अच्छी या कौन थिक लाइन हिसाब से नौ सेकेंडरी वैलेंसी रे ये जो लाइन गुड़ा कौन थिक लाइन एगुड़ा तुम थिक लाइन ने प्राइमरी वैलेंसी रो ये जो बॉन्ड गुड़ाक कौन ने डॉटेड लाइन ने जो द्वारा कि कौन जना पड़ो कौटा सेकेंडरी वैलेंसी कौटा प्राइमरी वैलेंसी तो यार प्राइमरी वैलेंसी केते तीन दैट मीन सीएल तीन टा अच्छी सीएल तीन टा तो सीएल तुम जो भी देपार एट दे पार जो भी देपार सीएल सीएल दीटा गल आ गोटे सीएल रही गोटे सीएल आ कन्फ्यूजन हमने ये सीएल देवी ना ये देवी तो सीएल तुम कौन जो ये भितर जो भी देपार आ गोटे जगह क्या तीन टा देदेवन ये गोटे ये गोटे ये गोटे क्लियर तो एबे कौन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीओ एन एस थ्री होल सिक्स सीएल थ्री अकॉर्डिंग टू वीवीटी अकॉर्डिंग टू वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्लियर तो फास्ट कौन कले ये कम्प्लेक्स देखिले यार प्राइमरी वैलेंसी जानले सेकेंडरी वैलेंसी जानले तो सेकेंडरी वैलेंसी माने अमोनिया तुम छटा अमोनिया छटा तो
ए थिक लाइन देगी याको रिप्रेजेंट करले तापरे प्राइमरी वैलेंस केते 3 दैट मींस क्लोरीन तमरो 3टा डॉटर लाइन हिसाब रे क्लोरीन नले क्लियर एमिदि बेले बेले तमरो आसीबो एमिदि दे दे दिबो क्वेश्चन एंट्रेंस रे बेले बेले आसीबो एइड तमरो एइडा को तमरो मन कर वाटर किबा सॉल्यूशन रे पकेले केतटा आयन प्रोड्यूस करिवो एही कॉम्प्लेक्स टाकु मु जदी वाटर किबा जो कोनसी सॉल्यूशन रे पकेबी केतटा आयन प्रोड्यूस करिवो तो देख आम जानते कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर जहाँ अच्छी दिज आर नॉन आयोनाइजेबल आयन फॉर्मेशन करिवनी स्क्वायर ब्रैकेट भितर जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बाहर जी अच्छी आयन फॉर्मेशन कर सीएल केनटा दैट मीनस तुम तीन टा थ्री सीएल माइनस तीन टा सीएल माइनस आयन फॉर्मेशन कर आ गोटे कौन यही कम्प्लेक्स रोटे आयन अच्छी कम्प्लेक्स रत सीएल तीन मान कौन थ्री प्लस तो चार्टा आयन फॉर्मेशन कर कम्प्लेक्स टाक जो वाटर में पकेबी चार्टा आयन फॉर्मेशन कर चार्टा आयन प्रोड्यूस हे केमी स्क्वायर ब्रैकेट बाहर के सीएल अच्छी तीन टा दैट मीन्स थ्री सीएल माइनस आयन बाहर तीन टा गला आ गोटे ये कम्प्लेक्स रुँ गोटे आयन रोज काटायन कम्प्लेक्स काटायन तो यार तीन मान यापुर आसे कौन हम थ्री प्लस तो थ्री प्लस मान ये सीओएनएस थ्री होल सिक्स थ्री प्लस गोटे आयन तापर सीए तीन टा सीएल माइनस आयन तो थ्री सीएल माइनस एंड वन कम्प्लेक्स काटायन लिख वन कम्प्लेक्स काटायन वन कम्प्लेक्स आयन लिख कम्प्लेक्स काटायन दैट इज लिख दियो दैट इज सीओ एन एस थ्री होल सिक्स सीओ एन एच थ्री होल सिक्स थ्री प्लस एटा गोटे एटा तीन टा क्लियर तो फास्ट स्ट्रक्चर सरला तापर एबे देख मन कर आ गोटे कम्प्लेक्स अच्छी आ गोटे कम्प्लेक्स अच्छी तो यहाँ कार स्ट्रक्चर कले सीओ सी एल थ्री सिक्स एन एच थ्री एवं गोटे आमोनिया आम कमईदे एवं गोटे आमोनिया कमईदे गोटे आमोनिया कमेले कौन हम सीओ सी एल थ्री फाइव एन एच थ्री तो ये स्ट्रक्चर करवा कार सीओ सी एल थ्री फाइव एन एच थ्री तो देख सीओ सी एल थ्री डट फाइव एन एच थ्री तो यार कमी लिख सीओ सेंट्रल मेटल आटम किए कोबाल्ट सीओ लिगाण के लगे पांचटा तो एन एच थ्री फाइव स्क्वायर ब्राकेट देल क्लियर तो यही केस तुम सीएल केनटा थी यही केस भी सीएल के तीन टा अच्छी तो आम जानते यार सेकेंडरी भैलेन्स के प्राइमरी भैलेन्स तीन जिते भी यही कम्प्लेक्स पढ़िया यही कम्प्लेक्स समस्त प्राइमरी भैलेन्स केन सेकेंडरी भैलेन्स छ तो देख एटा सीओ एन एस थ्री फाइव लिखे दैट मीन कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव हो तो आमको कौन करा पड़ो ए बाहर जो सी एल थ्री अच्छी गोटे सी एल यूर को आने पड़ो जो कोऑर्डिनेशन नंबर छ आसपाई क्लीअर तो मुझे कौन करी सीओ एन एस थ्री फाइव सी एल थ्री थी तो बाहर रखी कौन सी एल टू गोटे सी एल तुम यही स्क्वायर ब्रैकेट भितर को आसो तो कौन आसो सीओ एन एस थ्री फाइव सी एल स्क्वायर ब्रैकेट बाहर सी एल टू क्लीअर तुमको जदि पचार कम्प्लेक्स यही कम्प्लेक्स कोबाल्टर सेकेंडरी भैलेन्स के प्राइमरी भैलेन्स के तो कोबाल्टर सेकेंडरी भैलेन्स केतटा लिगांड आटाज हो पाँच एक छः छःटा लिगांड तो सेकेंडरी भैलेन्स के छः प्राइमरी भैलेन्स के आसो ऑक्सीडेशन नंबर सहित तो यार प्राइमरी भैलेन्स मैंने कौन ऑक्सीडेशन नंबर बाहर कर कोबाल्टर एक्स प्लस जीरो सीएल के माइनस वन सी एल टू माइनस टू इज इक्वाल टू जीरो तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वाल टू जीरो एक्स इज इक्वाल टू प्लस थ्री क्लियर तो ये जहाँ प्राइमरी भैलेन्स सेकेंडरी भैलेन्स यही कम्प्लेक्स प्राइमरी भैलेन्स सेकेंडरी भैलेन्स सेम तो एबे यार स्ट्रक्चर देखिबा तो यही केस देख कोबाल्ट लिखली आमोनिया केतटा लगी पांचटा आमोनिया पांचटा एक दो आमोनिया पांचटा लगी तो तुम देख सेकेंडरी भैलेन्स किए सी एल टू सी एल केतटा दुईटा अच्छी तो प्राइमरी भैलेन्स को सॉरी सेकेंडरी भैलेन्स कौन थिक लाइन में नौली प्राइमरी भैलेन्स को डॉटर लाइन में नौली तो यही केस प्राइमरी भैलेन्स के सी एल टू स्क्वायर ब्रैकेट बाहर
तो ए केस रे कोन हबो सी एल डॉटेड लाइन सी एल गोटे आ गोटे डॉटेड लाइन सी एल गोटे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी गला प्राइमरी वैलेंसी केते एडा रहला तो एई केस रे देखो सी एल 2 जते बेले सी एल 3 तमर कोन बाहर थिला तो एई केस रे तमर कोन शो करथिला प्राइमरी वैलेंसी शो करथिला एई केस रे देखो सी एल ला तमर भितर को पड़े आसी दैट मींस सी एल ला तमर कोन सेकेंडरी वैलेंसी शो करजी बाहर थिला अगुरो प्राइमरी वैलेंसी शो करजी तो तमर सी एल ला बाहर थिला कोन सेकेंडरी वैलेंसी शो करथिला जतेले कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर पसिला सेतेले कोन प्राइमरी वैलेंसी शो करजी दैट मींस एई केस रे कोन हबो सी एल ला तमर प्राइमरी वैलेंसी रे जीवो सेकेंडरी वैलेंसी रे जीवो तो एई केस रे एई सी एल ला पाई म एई भोला ड्रॉ करबी सी एल ला जेते तमर सेकेंडरी वैलेंसी रे जाउजी थिक लाइन देली जेते तमर प्राइमरी वैलेंसी रे जाउला तो कोन देबी डॉटेड लाइन देबी क्लियर तो वर्तमान हे गेला सी ओ एन एस 3 केतरा 5 तापर सी एल 2 बाहर प्राइमरी वैलेंसी 2 ए भीतर सी एल बाहर थिला सेकेंडरी वैलेंसी बाहर थिला कोन अगुरु प्राइमरी वैलेंसी एबे हे गेला सेकेंडरी वैलेंसी तो सेइत पई कोन ये दुई साइड रे जाउ छी प्राइमरी वैलेंसी जाउ छी सेकेंडरी वैलेंसी रे भी जाउ छी तो एडा क्वेश्चन आसी एई कॉम्प्लेक्स टाकू एई कॉम्प्लेक्स टाकू जते बेले वाटर रे पकेबी बा जो कोनसी सॉल्यूशन रे पकेबी केतटा आयन दबो तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट बाहर जो आयनाइजेबल दिस इज नॉन आयनाइजेबल तो केतटा दीटा सीएल माइनस आयन दबो केतटा दीटा सीएल माइनस आयन दबो प्लस गोटे काटायन दबो प्लस गोटे काटायन दबो तो टोटली केतटा आयन दबो 3 आयन्स आर प्रोड्यूस्ड 3 आयन्स आर प्रोड्यूस्ड से भितर दुटा सी एल माइनस आयन आ गोटे सीओ एन एस थ्री फाइव सी एल स्क्वायर ब्राकेट कत आस प्लस थ्री क्लीअर तापर देखिए आ गोटे मनकर आ गोटे आमोनिया काढ़े आ गोटे आमोनिया काढ़े कौन हम सीओ सी एल थ्री फोर एन एस थ्री हम तार स्ट्रक्चर देखा सीओ सी एल थ्री डट फोर एन एस थ्री क्लियर एटा को केमती लिखी सीओ एन एस थ्री लिगांड के चार्टा एन एस थ्री चार्टा क्लियर तो देख कोबाल्ट सेकेंडरी वैलेंसी के मैंने दीटा सीएल भितर को आस चार अच्छी एवं कोबाल्ट कौन कोऑर्डिनेशन नंबर चार अच्छी कितना आम कही रूल कौन कही गोटे कम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन हाज फिक्स्ड नंबर अफ सेकेंडरी वैलेंसी तो आम चार रखिपरि आम रखा कौन छ तो आम कौन कर दीटा सीएल को ए भितर को आने दीटा सीएल टू को आने कौन हम सेकेंडरी वैलेंसी छाला चार दुई छा सीएल बोलला गोटे सीएल यू भी देख लिखिपर सीओ एन एस थ्री फाइव थी गोटे एन एस थ्री काढ़ी आ गोटे गोटे काढ़ी मैंने कौन आ गोटे बसइबी तो गोटे एन एस थ्री काढ़ला सीओ एन एस थ्री फोर है आ गोटे सीएल बसला सीओ एन एस थ्री होल फोर सीएल टू सीएल क्लीअर तो यार स्ट्रक्चर देख तो यही केस देख सीओ एन एस थ्री फोर दैट मीनस सेकेंडरी वैलेंसी एन एस थ्री एन एस थ्री एन एस थ्री एन एस थ्री सेकेंडरी वैलेंसी गला कैसे ये गला चार तो देख प्राइमरी वैलेंसी सीएल गोटे ए स्क्वायर ब्रैकेट बाहर अच्छे कौन प्राइमरी वैलेंसी ये पूरा कौन प्योर प्राइमरी वैलेंसी तो सीएल गोटे डॉटेड लाइन रही है सीएल गोटे डॉटेड लाइन रही है सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन ये तुम डॉटेड लाइन सीएल टू देख ए दीटा क्लोरीन तुम कौन प्राइमरी वैलेंसी जाऊला एवं कौन सेकेंडरी वैलेंसी जाऊ दैट मीनस यही आस थिक लाइन ता सहित डॉटेड लाइन आसो सीएल लिखी थिक लाइन ता सहित डॉटेड लाइन आसो क्लियर तो ये आसला सीओ एन एस थ्री होल फोर सीएल तुम कौन प्राइमरी वैलेंसी दैट मीनस डॉटेड लाइन ए सीएल टू प्राइमरी वैलेंसी जाऊला सेकेंडरी वैलेंसी बर्तमान गला तो यहाँ आस क्लीअर तापर जब पचारि यही कम्प्लेक्स टाक जो गोटे व्टर पकेब गोटे सल्यूसन पकेबि केतटा आयरन दब तो बाहर के सीएल अच्छी गोटे तो यार कौन माइनस वन ये के थ्री प्लस तो ये केस आयन बाहर दुटा आयन बाहर तो टू आयन्स आर प्रड्यूस्ड टू आयन्स आर प्रड्यूस्ड एवं कार स्ट्रक्चर कर सीओ एल सी एल थ्री थ्री एन एस थ्री सीओ सी एल थ्री थ्री एन एस थ्री आ गोटे एन एस थ्री काढ़ सीओ सी एल थ्री डट थ्री एन एस थ्री गोटे आमोनिया काढ़ी काढ़ी आसुंदी फास्ट थिला सीओ सी एल थ्री सिक्स एन एस थ्री गोटे काढ़े फाइव एन एस थ्री फोर एन एस थ्री एवं थ्री एन एस थ्री
तो यार स्ट्रक्चर केमती आसो और यहाँ कोई लिखिपर सेंट्रल मेटल आटम किए कोबाल्ट अमोनिया के लगे NH3 तीन टा दैट मीन दिस इज योर प्योर सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर तापर एक केस देख CL3 एक केस CL दीटा थी एक केस आ गोटे CL भितर को आसो तमें कौन हम CONH3 होल 3 CL3 स्क्वायर ब्रैकेट तो आम CONH3 होल 3 थी ना एट देजी कौन CL3 पुणी अच्छी तो याकु बैलेंस करिया पाई सेकेंडरी बैलेंस को छ याकु बैलेंस करिया पाई कौन तीन टा सीएल देले तो 3+3 केता आसी 6 तो हबो कौन CONH3 होल 3 CL3 तो एही केस रे देखो तीन टा को सीएल सेकेंडरी वैलेंसी शो करू छी प्राइमरी वैलेंसी शो करूथला क्लियर ए तीन टा NH3 सेकेंडरी वैलेंसी शो करू तो यार स्ट्रक्चर देखो CO NH3 3 NH3 होल 3 NH3 तुम जो कोई पारे हम क्लियर आ कन्फ्यूजन हम डॉक्टर लाइन कोड देवी ठीक लाइन कोड देवी CONH3 होल 3 बर्तमान कौन CL3 तो ये तीन टा को CL प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो कर दैट मीन्स थिक लाइन जीव विथ डॉटेड लाइन भी जीव प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी सीएल आई भाई दीटा अच्छी सीएल तो पचार कम्प्लेक्सटा को यही कम्प्लेक्सटा जदि मुझ वाटर में आड करी कतेटा आयन दब तो स्क्वायर ब्रैकेट बाहर किसी जिनस ना तो ये किसी आयन फॉर्मेशन कर ना जीरो नो आयन प्रोड्यूस्ड एटा कौन गोटे न्यूट्रल मॉलिक्यूल वर्तमान हो गला क्लियर तो ये स्ट्रक्चर डा करिबा अकॉर्डिंग टू वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ए स्ट्रक्चर तो COCl3 6NH3 गोटे गोटे NH3 काढ़ी काढ़ी जीव 3NH3 अप टू 3NH3 तापर स्ट्रक्चर केमती कर CONH3 होल 6 3+ स्क्वायर ब्रैकेट बाहर CL3 तो यही केस देख कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सेकेंडरी वैलेंसी के 6 प्राइमरी वैलेंसी 3 तो ये प्योर प्राइमरी वैलेंसी केतटा 3टा तो लिखिली कौन प्योर गोटिकिया रहा डॉटेड लाइन 3टा NH3 केतटा 6टा दैट मीन्स प्योर सेकेंडरी वैलेंसी केतटा 6टा दैट मीन्स प्योर थिक लाइन 6टा एही के जतेबे गले गोटे NH3 काढ़िली गोटे NH3 काढ़िली माने NH3 5 हो गोटे CL बसिबो ताकु मेकअप करिया पई 5टा रहिला तो याकु मेकअप करिया पई कौन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करिया पई आ गोटे CL बाहर भितर गला आ बाहर रहिला CL2 भितर रहिला CL क्लियर तो यही केस रे प्योर सेकेंडरी वैलेंसी केतटा 5टा NH3 5 5टा CL प्योर प्राइमरी वैलेंसी केतटा 2टा तो 2टा डॉटेड लाइन प्योर पूरा आउ गोटे CL तुम कौन प्राइमरी जाऊँगी सेकेंडरी भी जाऊँगी तो यही केस कौन हम थिक लाइन विथ डॉटेड लाइन तो यही गुड़ाक क्लियर तो यही ड्र कर या तले लिख या तले लिख ए कम्प्लेक्सटा लिख या तले लिख टोटल नंबर ऑफ आयन्स या तले लिख ए कम्प्लेक्सटा तले ए कम्प्लेक्सटा तले लिख कम्प्लेक्सटा तले लिख टोटल नंबर ऑफ आयन्स टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 4 ब्राकेट देखिए लिख ब्राकेट देखिए लिख 3Cl- ब्राकेट देखिए लिख ता तले 3Cl- एंड 1 कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज CONH3 होल 6 3+ से भाई यूटा भी सेमती लिख टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू 3 2Cl- आयन आ गोटे CONH3 5Cl होल 3+ टोटल नंबर ऑफ या तो लिख टोटल नंबर आयन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2 1Cl- आयन आ गोटे CONH3 होल 4 Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट 3+ ये सेमती लिख टोटल नंबर आयन्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0 जितेगा तुम तात लिख दिस इज ए न्यूट्रल कम्प्लेक्स क्लियर
एटा लिखि साला पर एक्सप्लेनेशन पॉइंट गुडा लेख एबे देखिया ए डायग्राम रु ए स्ट्रक्चर रु आमे कोन पाइले ए ऑब्जर्वेशन आसीबो ए स्ट्रक्चर रु आमे कोन पाइबा त लेख द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कोबाल्ट अमीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कोबाल्ट अमीन्स मीन्स तो सेंट्रल मेटल आटम कोबाल्ट अमोनिया को हम कोन कहंती अमीन्स तो सेला कोन सेति में कोन कहला कोबाल्ट अमीन्स मे बी एक्सप्लेन्ड बाय वार्नर्स थ्योरी फुल स्टॉप देगी लिख इन ऑल सच कंपाउंड्स कोबाल्ट शोज ए प्राइमरी वैलेंसी ऑफ थ्री एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सिक्स तो जिते ये चार्टा जाक कम्प्लेक्स देखुच सब कम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी हूँ छ प्राइमरी वैलेंसी हूँ तुम तीन निजे भी देखिपर सेकेंडरी वैलेंसी के छः प्राइमरी वैलेंसी केन माइनस टू माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के प्लस थ्री ये भी देख सेकेंडरी वैलेंसी केन तीन छः कोऑर्डिनेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू प्लस थ्री तो जिते सब कम्प्लेक्स ये देख ल समस्त प्राइमरी वैलेंसी आसन सेकेंडरी वैलेंसी के सिक्स क्लियर नेक्स्ट पॉइंट लिख द प्राइमरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन तो डॉटेड लाइन प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन रे रिप्रेजेंट कर पारे एभिया दबा साइड रे ब्रैकेट देख लिख डॉटेड लाइन दबा होयर आज सेकेंडरी वैलेंसीज बाय थिक लाइंस यही थिक लाइन देगी आम सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर पार सेकेंड पॉइंट गला तापर थर्ड पॉइंट देख लिख स्ट्रक्चर एटा कौन कर देली स्ट्रक्चर आई एटा को देली स्ट्रक्चर डबल आई क्लियर तो लिख स्ट्रक्चर आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी इंडिकेट्स दैट सम ऑफ द नेगेटिव लिगांड्स सच आज क्लोरीन सैटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज से पॉइंट कौन कहला तो तुम स्ट्रक्चर नंबर दुई तीन चार किसीटा तुम कौन नेगेटिव आयन तुम कौन शो कर प्राइमरी वैलेंसी शो कर सेकेंडरी वैलेंसी शो कर दैट इज योर क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन सीएल माइनस यही केस तो तीन टाक स्ट्रक्चर कौन प्राइमरी वैलेंसी हिसाब से शो हो सेकेंडरी वैलेंसी हिसाब से रिप्रेजेंट हो क्लियर तो तुम यार कौन एक्सप्लेनेशन सरला ता तले लिख मॉडिफिकेशन ता तले हेडिंग दियो मॉडिफिकेशन द कॉम्प्लेक्स आयन कंटेनिंग नॉन आयोनाइजेबल लिगांड्स इज शोन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट तो से कहला स्क्वायर ब्रैकेट गोटे कम्प्लेक्स कंपाउंड रे स्क्वायर ब्रैकेट भितर जो लिगांड गुडा को रहला दीज आर नॉन आयोनाइजेबल स्क्वायर ब्रैकेट बाहर जो गुडा रहला दीज आर आयोनाइजेबल सेकंड पॉइंट लिख
The ionizable ligand, is shown outside the square bracket. Second point, like the ionizable ligand is shown outside the square bracket. Third number point, like the primary valency is called ionic bond. The primary valency is called ionic bond. The primary valency तमार कौन ionic bond formation करे. तातोड़े लिखो the secondary valency is called coordinate bond. The primary valency is called ionic bond and the secondary valency is called coordinate bond. एड़ा सट कुछ ना सीवा. Primary valency co-bond formation करे. Secondary valency co-bond formation करे. तो देखो primary valency, बाहर हो ची. ये कौन ionic bond formation करियो. Secondary valency तो तमर कौन ligand central metal atom सही तो कौन coordinate bond formation करियो. Clear? तब लेखो drawbacks. Drawbacks or limitation. Warner's theory कौन भूल रहिला. Warner's theory कौन डा भूल रहिला. Clear? तो वार्नर्स थ्योरी फास्ट लिमिटेशन आसला तो तुम्हारे वार्नर्स थ्योरी तो तुम्हारे गोटे कॉम्प्लेक्स रो एक्चुअल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर पाला नहीं. वार्नर्स थ्योरी कौन डिस्क्राइब कर पाला नहीं गोटे कॉम्प्लेक्स रो एक्चुअल स्ट्रक्चर. तो ये कौन आम अमोनिया एड लिख पारा सीएलबी समय कौन एड लिख पारे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये डिस्क्राइब कर पाला ना कि आउ गोटे तुम कहला गोटे कॉम्प्लेक्स रही कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर पाला नहीं. ए कॉम्प्लेक्स टा तमरो डायमैग्नेटिक ना पैरामैग्नेटिक ताकू एक्सप्लेन कर पाला नहीं. तापर यार स्ट्रक्चर यार शेप यार हाइब्रिडाइजेशन को भलिया ताकू भी एक्सप्लेन कर पाला नहीं. तो लेखो फर्स्ट लिमिटेशन वार्नर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक कलर तो गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो कलर भी कौ भाया वार्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन कर पाला नहीं. कलर कमा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकेंड ड्रॉबैक्स लिखो. इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. होयर आज सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल. तो वार्नर्स आउट डिस्क्राइब कर पाले जोड़ा कि तुम कौन प्राइमरी वैलेंसी कौन पाई तुम आयोनाइजेबल हो सेकेंडरी वैलेंसी कौन पाई नॉन आयोनाइजेबल हो. तापर आउ गोटे थर्ड लिमिटेशन हला वार्नर्स थ्योरी कौन आउट एक्सप्लेन कर पाला तो तुम कौन कहला कौन पाई सब ट्रांजिशन एलिमेंट सब दीजार तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो किए फॉर्मेशन कर ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर तो से कहला किसीटा ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर कौन पाई सब ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर पार ना यहाँ भी एक्सप्लेन कर पारा ना वार्नर्स थ्योरी. तो लिख लास्ट लिमिटेशन इट डज नॉट एक्सप्लेन Why? Only certain elements form complex compound. किछिटा element कौन पाई complex formation करजंती. Certain elements form complex compounds and not others. तो तुम वार्नर्स थ्योरी लिमिटेशन भी सरला. तो जदि क्वेश्चन पांच मारिया क्वेश्चन आसी तुम राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी.
तो पोस्टुलेट तुम जो रहा चार्टा पोस्टुलेट लिखे ए स्ट्रक्चर गुड़ा कर एक्सप्लेनेशन लिखिदेव एक्सप्लेनेशन कौन प्राइमरी कौन डॉटेड लाइन गुड़ाक आम कौन प्राइमरी भैलेन्स भाव में नहीं थिक लाइन गुड़ाक सेकेंडरी भैलेन्स भाव में नहीं एक्सप्लेन कर पांच बारे कौन लिमिटेसन दरकार ना जदि बै चान्स कौन दिमारिका क्वेश्चन आस व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी से दिमारिका आसो क्लियर थैंक यू।